ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट कर दिया था टॉपिक जो कि था हमारा प्लांट किंगडम, याद आ रहा है सभी को? और प्लांट किंगडम को देखो, सर। हम लोगों को पढ़ना तो पूरी तरह से एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी में है उसी को पूरी तरह से फॉलो करना है। तो आज हम ठीक लोग फॉलो करेंगे एनसीईआरटी के जो भी है। चलो हम लोग स्टार्ट करते ना, चलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट से मत ज्वाइन किया करो, टाइम कम होता है ना। चलिए देखिए ध्यान से। ओके चलो अनुपमा, ठीक है, ध्यान से देखो। हम लोगों को प्लांट किंगडम करना था ना, चैप्टर का नाम था प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में आज हम लोग फिर से इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट करेंगे, क्योंकि प्लांट किंगडम में जो मेन चीज है ना वो उसका लाइफ साइकिल है ना, उसके एग्जांपल्स हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ये सब जो है ना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो वापस से इंट्रोडक्शन ही करेंगे। उस दिन छोटा सा एक नॉलेज आपको दिया था, बेसिक नॉलेज दिया था, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट टू हो जाएगा। तो अब चैप्टर तुम आसानी से पढ़ सकते हो, मतलब जब चैप्टर पढ़ोगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, बस सर को मैं एक बार को होस्ट बना देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। जुनैद सर को, ठीक है। हाँ, तो देखो ध्यान से, इस चैप्टर में तीन डिफिकल्ट पॉइंट। प्लांट किंगडम में जो डिफिकल्टी तीन लेवल पे, पहले डिफिकल्टी प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल डिफिकल्ट होते हैं। जो प्लांट किंगडम जो चैप्टर है उसमें सभी को प्रॉब्लम किस चीज को लेकर के है, पहला है बच्चा एग्जाम्पल, और बिना एग्जाम्पल का तुम बॉटनी नहीं पढ़ सकते ना। अब रट्टा मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, देखो एग्जाम्पल किसी का नाम याद करना है तो उसमें हम कॉन्सेप्ट तो नहीं अप्लाई कर सकते ना। तुम्हारा नाम दिया है, साक्षी है, शिवानी है, मैं कॉन्सेप्चुलाइज तो नहीं कर सकता ना। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें एग्जाम्पल बच्चा, लेकिन ओनली एनसीईआरटी याद करना है आपको, एनसीईआरटी के एवं नहीं याद करना है। जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है बच्चा, बस वही याद करना है, एक भी एक्स्ट्रा याद ही नहीं करना। हाँ, होंगे हजारों एग्जाम्पल, आपको याद नहीं रखना है। आपको एल्गी के सारे एग्जाम्पल, ब्रायोफाइट्स के, टेरिडोफाइट्स के, जिम्नो के और एनजियो के याद करने बच्चा। इतना कर लोगे ना तो चैप्टर इजी हो जाएगा। चलिए सेकेंड, इसके बाद में तुम्हें करना क्या है कि इसके अंदर बच्चा सबसे डिफिकल्ट पॉइंट याद करो कुछ बच्चा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये याद है आपको कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक टॉपिक आता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब चैप्टर तुम पढ़ोगे ना तो एक वर्ड आएगा बच्चा, गेमिटोफाइट, याद करो गेमिटोफाइट। ये तुम्हें खासा परेशान करता है, सर गेमिटोफाइट होता क्या है? और एक वर्ड आएगा बच्चा स्पोरोफाइट, इसी पे चैप्टर घूमते रहते हैं। आपस में दोनों का रिलेशन क्या है सर ना, कौन स्पोरोफिटिक जनरेशन है, कौन सर गैमेटोफिटिक जनरेशन है, ये सर बड़ा डिफिकल्ट है। इसके लाइफ में बच्चा हैप्लॉयड वाला फेज आता है, इसके लाइफ में बच्चा डिप्लॉयड वाले फेज आते हैं। लाइफ में अल्टरनेट चल रहा हैप्लॉयड आया, फिर डिप्लॉयड आया, फिर बच्चा हैप्लॉयड आएगा ना। तो लाइफ में अल्टरनेट चल रहा है, इसलिए नाम पड़ा बच्चा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें अच्छा खासा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको ठीक करेंगे। तीसरा बच्चा, तीसरा है इसका लाइफ साइकिल ना, लाइफ साइकिल। इस चैप्टर में बच्चा लाइफ साइकिल में आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हो कि एल्गी का लाइफ साइकिल याद कीजिए। मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिया था ना कि मान लो एल्गी का लाइफ 24 घंटे का है, उसमें से बच्चा 23 आवर हैप्लॉयड में है तो हैप्लॉन्टिक होगा, याद कीजिए ऐसा बताया था। ब्रायो का मान लो 24 घंटे का है जिसमें बच्चा 16 घंटा हैप्लॉयड है, 8 घंटे के लिए डिप्लॉयड है, तो कुछ था बच्चा हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ऐसा याद कीजिए। इसी तरह से बच्चा टेरिडोफाइट्स थे ना कि डिप्लॉयड बड़ा है, हैप्लॉयड छोटा है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। इसी तरह से बच्चा जिम्नो और एंजियो की कहानी थी कि लाइफ में बड़ा कौन है, ज्यादा टाइम के लिए कौन बना, अगर हैप्लॉयड बना हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉयड बना तो डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों बने, दोनों बने और अच्छा खासा बना दोनों, तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉयड बड़ा थोड़ा, हैप्लॉयड छोटा, तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ऐसा हमने पढ़ा है बच्चे पिछले क्लास। तो चलो एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करें ट्रिक से, फटाफट बोलो यस नो।
सबको क्लियर हो रहा है? फटाफट बोलो। चलो मैसेज करो, मैसेज 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 मैसेज। जब तक मैसेज नहीं करोगे मुझे समझ में नहीं आता क्या कर रहे हो तुम। चलिए तो सबसे पहले बच्चा हम लोग एक ट्रिक सीख लेते ना, ट्रिक सीखते। एल्गी बच्चा, ठीक है, एल्गी बच्चे लोग तीन तरह के, अब सभी को मालूम है बच्चा एल्गी तीन तरह के, तीन क्लास में डिवाइड किया एनसीईआरटी ने। एक है बच्चा ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी जिसे एनसीईआरटी ने बच्चा क्लोरोफाइसी कहा है। एक है बच्चा ब्राउन एल्गी जिसे एनसीईआरटी ने बच्चा फियोफाइसी कहा है, और एक है बच्चा रेड एल्गी जिसे एनसीईआरटी ने रोडोफाइसी कहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चा, हम लोग एग्जाम्पल याद करें सारे एनसीईआरटी, हम सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल को एक साथ याद करेंगे। सर कैसे? रेड एल्गी के बच्चा आप एक ट्रिक सीख लीजिए रेड एल्गी का ना, बस देखिए पो पो गो और गो। कुछ बच्चों को तो मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बच्चा ट्रिक? पो पो गो और गो। डिफिकल्ट है क्या? कोई डिफिकल्ट है क्या? नहीं बच्चा, या तुम्हारा ऐसे याद कर लो पोगो पोगो पो गो पो गो ना, याद हो गया। सर डिकोडिफाई कर दीजिए, एनसीईआरटी में रेड एल्गी बच्चा चार ही है, होंगे हजारों, हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी में बच्चा चार है, एक का नाम है बच्चा पो, पो का मतलब हो गया बच्चा पोरफायरा, पोरीफेरा मतलब याद कर लीजिएगा, पोरफायरा याद कीजिए, पोरीफेरा तो बच्चा एनिमल किंगडम है, वो नहीं याद करना, वो एनिमल हम प्लांट किंगडम है। पो पॉलीसिफोनिया, पीओ फॉर मतलब पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया याद हो जाएगा, एनसीईआरटी में मैच कर लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। और जियो फॉर बच्चा जिलेडियम, जियो फॉर बच्चा जिलेडियम, जिलेडियम और जियो फॉर बच्चा ग्रेसिलेरिया, अगर ये याद है तो प्रॉब्लम सॉल्व है, अगर ये याद है प्रॉब्लम इज सॉल्व। इसके अलावा एनसीईआरटी में कोई भी एग्जाम्पल नहीं बच्चा, इसके अलावा एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल नहीं है, हम मैच कर लेते हैं, हमने जो भी सीखा क्या एनसीईआरटी में है देखते हैं। एनसीईआरटी बच्चा क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी, है ना, रोडोफाइसी देख लेते हैं। एनसीईआरटी बच्चा रोडोफाइसी के चार एग्जाम्पल लास्ट में देखिए, ब्रायो के ऊपर, आपके एनसीईआरटी अपनी एनसीईआरटी में भी देखिए, पो पॉलीसिफोनिया, पो पोरफायरा, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये चार आपको याद रखने बच्चा रेड एल्गी, बस कंप्लीट। चलो किसे किसे याद हो गया फटाफट बोलो, किसे किसे पोपो को वो याद हो गए फटाफट बोलो, यस नो कुछ तो बोलो, किसे किसे, ठीक है, आपको एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, इतना आसान नहीं है बच्चा कि एक बार में, लेकिन सीख तो लिया ना। चलिए तो लगभग सभी बच्चों को याद हो गया। अब बच्चा ब्राउन एल्गी सिखा दूं, ब्राउन एल्गी सिखा दूं सभी को, ठीक है, ब्राउन एल्गी सिखा दूं सभी को। चलिए आप ना बाद में लेक्चर को वापस से देख लीजिएगा ना, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, पढ़ना ज्यादा होता है। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल बच्चा इडली, साउथ इंडियन होटल में जाना है, कहां जाना है बच्चा, साउथ इंडियन होटल में जाना है और वहां खाना है बच्चा इडली, ठीक है, क्या खाना है बच्चा, इडली खाना है, और प्लेट को बच्चा अच्छे से साफ कर देना है, प्लेट को बच्चा अच्छे से साफ करके रख देना है, हो गया, प्लेट को अच्छे से साफ करके रख दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व है। सर ई मतलब इक्टोकार्पस, ई का मतलब बच्चा इक्टोकार्पस याद रहेगा, अरे होंगे ब्राउन एल्गी हजारों, हमें नहीं पढ़ना है, हमें पांच ही तो याद करना है ना, एनसीईआरटी पे याद करना है। डी फॉर बच्चा डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, एल फोर बच्चा लैमिनेरिया, लैमिनेरिया, और यहां पे एक ट्रिक और दे देता हूं, लैमिनेरिया से बच्चा आयोडीन निकाला जाता है, लैमिनेरिया से बच्चा आयोडीन निकाला जाता है, ठीक है। एसे फोर बच्चा सारगैसम, सारगैसम, एसे फोर सारगैसम, और एफ फोर है बच्चा लोग फ्यूकस, एफ फोर बच्चा फ्यूकस हो जाएगा। इतना इडली साफ याद है ना, प्रॉब्लम सॉल्व है, इसके अलावा नहीं है, एक भी एनसीईआरटी में नहीं है, देख लीजिए ये हम लोग बच्चा ब्राउन एल्गी है ना, देख लीजिए ब्राउन एल्गी, क्या आपको दिखा, क्या आपको दिखे, कौन कौन है बच्चे लोग, इक्टोकार्पस ई, डिक्टियोटा डी, इड ली, लैमिनेरिया इडली साफ, सारगेसम और फ्यूकस, इडली साफ, ब्राउन एल्गी याद हो गया। चलो बताओ किसे किसे याद हुआ फटाफट लिखो,
शॉर्ट ट्रिक तो याद हो गए ना, दो बार तीन बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक तो याद हो गए, फटाफट बोलो फटाफट, शॉर्ट ट्रिक तो याद कर लिए ना सब। चलो क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के थर्ड पार्ट में, जो है बच्चा ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी सर कितने एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी में बस वही याद कीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में जो ग्रीन एल्गी की एग्जांपल है बस वही याद करना, एक्स्ट्रा नहीं करना है। कौन कौन देखिए ग्रीन एल्गी के एग्जांपल आप ऐसे याद कीजिए। आप बच्चा कहाँ चले गए हो, एमबीबीएस कंप्लीट किया, अभी डॉक्टर बनोगे, उसके बाद बच्चा चले जाओगे पीजी करने अमेरिका, अमेरिका चले गए, वहां कहाँ चले गए, यूएस, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, और वहां मम्मी से को फोन कर रहे हो, क्या बोल रहे हो मम्मी को, यूएस हैज वेरी क्लीन क्लीन कॉलेज कॉलेज एंड कैंपस, कॉलेज एंड कैंपस, इतना याद रहेगा आपको, सभी को याद हो जाएंगे, इतना याद है ना तो हो जाएगा बच्चा, हो जाएगी याद, बस इतना। चलिए डिकोडिफाई करते हैं, यू फॉर बच्चा यूलोथ्रिक्स, आपको आता है ना एनसीईआरटी में बच्चा यूलोथ्रिक्स, एस फॉर स्पायरोगायरा, एस फॉर स्पायरोगायरा याद रखिएगा, हैज को कट कीजिए बच्चा, वी फॉर वॉल्वॉक्स, वी फॉर वॉल्वॉक्स, सी फॉर क्लामाइडोमोनस, सी फॉर क्लामाइडोमोनस याद रहेगा, और सी फॉर बच्चा क्लोरेला, क्लोरेला, और सी एक और है बच्चा जिसका नाम है कारा, CHARA, इसके अलावा एनसीईआरटी में नहीं है कोई। यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलेज एंड कैंपस, हो गए। चलो बताओ याद रहेगा, रिवाइज कर लीजिएगा, सबको याद हो जाएगा, एक बार बच्चा रिवाइज कीजिएगा, हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी से मैच भी कर लेते हैं। यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलेज एंड कैंपस, ढूंढो। सम कॉमन फाउंड ग्रीन एल्गियर, क्लामाइडोमोनस, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कार, याद हो जाएंगे, फटाफट बोलो, याद हो जाएगा सभी को, हो गए डन, यानी कि आप ग्रीन एल्गी में कभी भी, ब्राउन में, रेड में कभी भी गड़बड़ नहीं करो। चलिए अब मैं शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं बच्चा लोग ब्रायोफाइट्स के, यानी हमें जितने एग्जाम्पल है ना उसको ट्रिक से पढ़ लेते हैं, जितने भी एग्जाम्पल है उसको हम लोग ट्रिक से पढ़ लेते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में सेकेंड पार्ट, कुछ भी नोट नहीं करना है, पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगा कर लेना। अब बच्चा देखिए ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स ध्यान सुनना, ब्रायोफाइट एनसीईआरटी में बस बच्चा चार ही है, बस बच्चा चार है, पांचवा नहीं पढ़ना है आपको, नहीं याद करने ना। चलिए मान लो बच्चा तुमने संडे को टेस्ट दिया, अवंती में संडे को बच्चा टेस्ट दिया और टेस्ट में बच्चा टॉप कर गए, टेस्ट में बच्चा टॉप कर गए, तो क्या बोलोगे मम्मी को, क्या बोलोगे, मम्मी मेरी मेरी फर्स्ट, मेरी फर्स्ट पोजीशन, मेरी फर्स्ट पोजीशन पोजीशन आई है, ये बोलोगे ना, मैंने टॉप किया, मेरी पोजीशन फर्स्ट आई है, सेकंड नहीं, इतना याद रहेगा आप लोगों को, सेकंड नहीं, हो गया। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है सर, कैसे, एम फोर बच्चा एनसीईआरटी में गिवेन है, एम फोर है मार्केंशिया, एम फोर है मार्केंशिया, एम फोर मार्केंशिया याद हो गए, ए फोर है बच्चा फ्यूनेरिया, ए फोर फ्यूनेरिया, ठीक है, पी फोर है बच्चा पॉलीट्राइकम, पी फोर पॉलीट्राइकम, पी फोर पॉलीट्राइकम, ठीक, एस फोर बच्चा स्पैग्नम, एस फोर स्पैग्नम, इतना अगर याद है ना तो काम बन जाएगा, इतना याद है काम बन जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। फिर से बोल दे रहा हूं, एनसीईआरटी में बच्चा ब्रायो के दो पार्ट्स है, एक नाम है बच्चा लीवर वर्ट्स, लीवर वर्ट्स जो लीवर के तरह दिखेगा तो लीवर वर्ट्स, और दूसरा है बच्चा मोसस, दूसरा है मोसस, तो एनसीईआरटी में बच्चा लीवर वर्ट्स के एक ही एग्जाम्पल है बच्चा मार्केंशिया, बस एनसीईआरटी में लीवर वर्ट के एक ही एग्जाम्पल है मार्केंशिया, बाकी जितने एग्जाम्पल है ना फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पैग्नम बच्चा सभी के सभी मोसस है, यानी पहले वाला हो गया लीवर वर्ट्स, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फैग्नम जो भी है बच्चा, जो भी है ना, तो
तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक और ट्रिक दे देता हूं। अब केमिस्ट्री पढ़ते हो बच्चा, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप सुनते हो ना कि देखिए यहां पर न्यूक्लियस क्या क्या एस पी डी और एफ पढ़ते हो ना, एस पी डी एफ, बस वैसे याद कर लो। यहां पर बस याद कीजिएगा एस, इसके बाद पी है, इसके बाद बच्चा एफ है, डी मत बच्चा एम कर लीजिएगा, एस पी एम एफ, एस पी डी एफ की जगह एस पी एम एफ हो जाएगा। सर कैसे, एस फॉर स्फैग्नम, पी फॉर बच्चा पॉलीट्राइकम, एम फॉर बच्चा मार्केंशिया और एफ फॉर बच्चा फ्यूनेरिया। हो गई बच्चा डन, अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, याद हो गए। चलिए एनसीईआरटी से मैच कर लूं, आज जाकर के अच्छे से इस पे काम कर लीजिएगा। देख लीजिए बच्चा लीवर वर्ड्स है, और ये है बच्चे लोग मोसेस, मोसेस में देख लीजिए सबसे लास्ट में एग्जांपल है, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पैग्नम, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पैग्नम, ये तीन। फिगर दिखा देता हूं ब्रायोफाइट्स के, ब्रायोफाइट्स के देख लीजिए लीवर वर्ड्स है ना मार्केंशिया, ये क्लास ट्वेल्थ में भी है। ठीक है, उसके अलावा अब जितना भी देखिए फ्यूनेरिया है, स्पैग्नम है, जितने भी बच्चा वो कैसे हैं, वो मोसेस है। याद हो गया, फटाफट बोलो किसी किसी, याद हो बोलो किसी किसी, ये ट्रिक समझ में आ गया। कर लोगे सभी, ठीक। चलो अब हम लोग चले ब्रायो के बाद बच्चे लोग हम लोग चलते हैं टेरिडोफाइट्स के, ठीक है। अब हम लोग ब्रायो के बाद चलेंगे बच्चा, मार्केंशिया ही लीवर वर्ड्स है, नहीं देख देखो ध्यान से, जो ब्रायोफाइट है ना उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, लीवर वर्ड्स मोसेस, लीवर वर्ड्स के एग्जांपल है बच्चा, लीवर वर्ड्स के एग्जांपल है मार्केंशिया, और मोसेस के एग्जांपल है फ्यूनेरिया, रिक्शा और स्पैग्नम। ठीक है, हमने ब्रायो को दो पार्ट में, दो ग्रुप में डिवाइड किया ना। चल अब आ जाओ टेरिडोफाइट्स, अब आ जाओ बच्चा टेरिडोफाइट्स, देखिए टेरिडोफाइट्स, सबसे पहले टेरिडोफाइट को बच्चा हम चार क्लास में डिवाइड करेंगे, कितने क्लास बच्चा, जैसे एल्गी को तीन क्लास में डिवाइड किया था, टेरिडो को बेटा फोर क्लास में। सर क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में नहीं होता हम नहीं करते, एनसीईआरटी में इसलिए फॉलो कर रहे, नहीं तो नहीं करते, मेरा क्या जा रहा था। चल तो टेरिडोफाइट के चार क्लास, सर कौन कौन, दुनिया का बच्चा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म बोलो क्या होता है, दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, पीपी के याद आया, पीपी एल ओ, बस बच्चा पीपी एल ओ के जगह पीपी एल एस करना है, पीपी एल ओ के जगह पीपी एल एस करना है, हो गया काम खत्म। देखिए सब में बच्चा सीधा वर्ड जोड़िएगा, सब में बच्चा सीधा वर्ड जोड़ दीजिएगा ना, सीधा, जैसे एल्गी में बच्चा सब में फाइसी वर्ड जोड़ते थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो यहाँ सीधा वर्ड, जैसे यह बच्चा ये होगा साइलोप्सीडा, साइलोप्सीडा, ठीक है। यहाँ पे है ये बच्चा टेरोप्सीडा, 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 एल फोर है बच्चा लाइकोप्सीडा, एल फोर है लाइकोप्सीडा, और एस फोर है स्पेनोप्सीडा, एस फोर है स्पेनोप्सीडा, एस फोर है स्पेनोप्सीडा, के ये याद रहेगा, सीडा वाला कहानी याद रहेगा बच्चा, हम एनसीईआरटी में मैच कर लेते हैं ना, हमें क्या है, हम तो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में बच्चा टेरिडोफाइट है, और टेरिडोफाइट को ध्यान से देखिए, आपके एनसीईआरटी ने टेरिडोफाइट को क्लासिफाइड इनटू फोर क्लास है, पी पी एल एस, साइलोप्सीडा, टेरोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पेनोप्सीडा, क्या याद हुआ, साइलोप्सीडा, टेरोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पेनोप्सीडा, ये चार याद रहेंगे। चलो बताओ किसे किसे शॉर्ट ट्रिक समझ में आया, किसे किसे ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया, फटाफट बोलो। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म बच्चा होता है पीपीएलओ, दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ होता है ना, ये मैंने आपको बताया है, तो उसी पे मैंने ट्रिक बना दिया पीपीएलएस। चलो याद रहेगा यहां तक। चलो अब देखिए ध्यान से, सर आपने तो ये क्लास याद कराया ना, हमें एग्जाम्पल थोड़ी ना पता है, सर एग्जाम्पल बताओ ना, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल
तो मैं एग्जाम्पल का ट्रिक नेक्स्ट स्लाइड पे दे रहा हूं, यहां देखिए एग्जाम्पल ऐसे याद कीजिएगा, बहुत आसान है बच्चा, ये आपकी मम्मी भी बोलती होगी, मैं भी बोलता हूं, आपके पापा भी बोलते होंगे, सबको यही बोलता होगा आपको, ठीक है, सबको यही बोलते होंगे बच्चा, प्लीज पी एल ई ए एस, प्लीज के बाद बेटा ई नहीं डालना है, प्लीज के बाद बच्चा ई मत डालिएगा, उसकी जगह स्क्वायर डाल दीजिए बच्चा, स्क्वायर कर दीजिए, प्लीज के बाद ई मत डालिएगा ना, प्लीज पढ़ो, प्लीज पढ़ो, इतना याद है तो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, इतना अगर याद है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, अब टेंशन नहीं लेना है, एनसीईआरटी सारा कवर है सर, कैसे देख लेते हैं एनसीईआरटी, पी फोर देख लीजिएगा बच्चों, तो आपको मिलेगा ठीक है साइलोटम, साइलोटम बच्चा, साइलोटम मिलेगा एनसीईआरटी में मिलेंगे बच्चा, एल फोर अब देखिएगा तो मिलेगा बच्चा लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम आप थोड़ा सा दो बार तीन बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, ई फोर है इक्विसिटम, ई फोर है इक्विसिटम ठीक है, ए फोर बच्चा लोग एडियंटम, ए फोर एडियंटम, एडियंटम और एस फोर बच्चा दो है, एस फोर बच्चा दो है, ध्यान से सुनना, एस में दो आएंगे, एक आएगा बच्चा स्लेजिनेला, एक आएगा स्लेजिनेला और दूसरा आएगा बच्चा सेल्विनिया, हालांकि एनसीईआरटी ने यहां पास नहीं लिखा, एनसीईआरटी में कहीं दूसरी जगह पर बच्चा सेल्विनिया का नाम दिया, यहां पास नहीं मिलेगा आपको, पी फोर बच्चा लोग टेरेस, पी फोर टेरेस, टेरेस और डी एच फोर बच्चा ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस ठीक है, इतना अगर याद है दो बार रिवाइज कीजिएगा याद हो जाएगा, दो बार रिवाइज करेंगे बच्चा याद हो जाएंगे, ये बच्चा सारे एग्जाम्पल टेरिडोफाइट्स के देख लीजिए, प्लीज पढ़ो ढूंढो, पी से मिला बच्चा आपको, मिला आपको साइलोटम दिखा स्क्रीन पे देखो, प्लीज पढ़ो, पी से मिला आपको साइलोटम, मिला साइलोटम पी मिल गए, एल फोर लाइकोपोडियम, एल फोर लाइकोपोडियम मिल गया, E4 इक्विसिटम, E4 इक्विसिटम E मिल गया, A4 बच्चा एडियंटम, A4 एडियंटम ठीक है, क्या S स्लेजिनेला लिखा है, क्या S से बच्चा स्लेजिनेला लिखा है, सर आपने सेल्विनिया भी बोला था, देखते हैं क्या बच्चा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जनरल लाइक स्लेजिनेला एंड सेल्विनिया, ऊपर में बच्चा सेल्विनिया भी है, हालांकि एनसीईआरटी ने यहां पर नहीं लिखा है, याद कर लीजिए आप एनसीईआरटी का ही है, पढ़ो P4 बच्चा टेरेस और DHO मतलब बच्चा ड्रायोप्टेरिस, P4 टेरेस और D4 बच्चा ड्रायोप्टेरिस, क्या याद हो जाएंगे बोलो फटाफट, बोलो किसे किसे याद हो जाएगा फटाफट बोलो, किसे किसे ये शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगा टेरिडोफाइट्स के, किसे किसे टेरिडोफाइट्स के सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे ठीक है, लेकिन बच्चा रिवाइज कीजिएगा तो जाके रिवाइज कीजिएगा याद हो जाए ठीक है, चलो अब बोलो कौन सा बचा, अब तो दो ही पार्ट बचे ना, एक जिम्नो और एक एनजीओ, तो हम जिम्नो को पहले निपटा देते हैं, जिम्नो के सारे एग्जांपल एक साथ पढ़ लेते हैं फिर एनजीओ का पढ़ लेंगे, तो जिम्नो के एग्जांपल ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी में बचा चार ही एग्जांपल है, ध्यान सुनो, जी फोर बच्चा जिम्नो, जीपीएस बच्चा कहीं रास्ता भूल जाते हो तो आप मोबाइल पे क्या ऑन करते हो, जीपीएस, कहीं रास्ता भूल जाते हो तो मोबाइल पे क्या ऑन करते हो, जीपीएस, जीपीएस ऑन किया और उस पे बच्चा डाल दीजिए सी स्क्वायर, उस पे डाल दीजिए बेटा सी स्क्वायर, वहां एस स्क्वायर था यहां बच्चा सी स्क्वायर ठीक है, चलिए देखते हैं, सबसे पहले बच्चा जी फोर देखेंगे तो यहां पर बच्चा मिलेंगे जिंकगो, क्या मिलेगा बच्चा जिंकगो, आपके एनसीईआरटी में इसके फिगर बने, एनसीईआरटी में बच्चा जिंगो का फिगर बना है तो याद करना पड़ेगा एनसीईआरटी का है, और क्लास ट्वेल्थ बच्चा ये क्लास इलेवेंथ में, क्लास इलेवेंथ के एनसीईआरटी, क्लास ट्वेल्थ में बच्चा नीटम मिलेगा, नीटम क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा इवोल्यूशन चैप्टर वहां बच्चा नीटम मिलेगा ठीक है, पढ़ लेंगे हम लोग, पी फोर सभी को मालूम है बच्चा पाइनस, P4 बच्चा पाइनस ठीक है, ये तो सबको याद होता है,
अच्छा सिकोया, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्री है भाई। अगर पूछा जाएगा ना दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्री कौन है, फादर ऑफ फॉरेस्ट कौन है, फादर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का फादर कौन है, यानी सबसे ओल्ड वाले, सबसे बड़े वाले। तो लार्जेस्ट है बच्चा सिकोया, जिसको एनसीईआरटी ने एक और नाम लिखा है बच्चा रेड, ठीक है, रेड वुड ट्री। एनसीईआरटी में बच्चा रेड वुड ट्री लिखा गया है इसको, याद रखिएगा, इससे नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। सी स्क्वायर कहने का मतलब है, एक है बच्चा साइकस, एक है बच्चा साइकस, और एक है बच्चा सिड्रस, एक है बच्चा सिड्रस। इतना याद है, प्रॉब्लम सॉल्व है, ये याद हो गया, सॉल्व है बच्चे, इसके अलावा नहीं है। एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, जीपीएस सी स्क्वायर। क्या बच्चा आपको सबसे पहले मैं जिंको को दिखा देता हूं, जिंको दिखा देता हूं, क्या आपको एनसीईआरटी का बच्चा फिगर दिख रहा है, क्या बच्चा आपको जिंको को दिखा, देखिए फिगर 3.4 जिम्नोस्पर्म, वहां बच्चे साइकस भी है, पाइनस भी है, बच्चे जिंगो है, हाँ क्लास 12 में बेटा नीटम भी है। तो चलिए, एक तो दिखा आपको साइकस पाइनस भी दिख गए, जो कि आसान से, हमें तो जीपीएस फॉलो करना है, तो जीपीएस देख ले, पी फोर पाइनस हो गया, सबको मालूम है। क्या बच्चा सिकोया दिखा, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। क्या बच्चा सिकोया दिखा, जिसे हम रेड वुड ट्री कहते हैं, मिला सभी को, एनसीईआरटी में देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रेड वुड ट्री सिकोया। नीचे में बच्चा देखिए ना, सिड्रस भी है ना, पाइनस सिड्रस साइकस। देखो साइकस पाइनस तो बचपन से याद होते हैं, ये तो 9th में ही पढ़ना था, साइकस पाइनस, यहां एक्स्ट्रा पढ़ने सिड्रस मिल गए, सिड्रस। इसके अलावा कौन है बच्चा, इसके अलावा यहाँ कौन, सिकोया और जिंगो याद रहेंगे, बोलो फटाफट, किसे किसे याद होगी, किसे किसे ये एग्जाम्पल याद होगी, फटाफट बोलो, कर लोगे, चलो याद हो जाएगा, एक बार आप रिवाइज करोगे ना हो जाएगा यार, एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, मैंने ट्रिक्स तो दे दी। देखो सर एनजीओ, एनजीओ नहीं बताऊंगा बच्चा, एनजीओ का एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा सर, क्यों, क्योंकि बच्चा ये आप बचपन में आपके मम्मी ने सिखाया होगा, 50-50 एनजीओ के एग्जाम्पल तो आपको मम्मी ने सिखाया होगा, वो भी बचपन में, अभी नहीं। बोले कैसे, दुनिया में बच्चा जो भी फ्लावर बनाएगा, दुनिया में बच्चा जो भी फ्लावर बनाएंगे ना, वो बच्चा एंजियोस्पर्म है। तो जितने भी फ्लावर बनाने वाले प्लांट, लोटस लिली जो भी याद है बच्चा, जो भी याद है, चाइना रोज जो भी याद है, सब लिख दीजिए। जो भी बच्चा फ्रूट बनाएगा, तो आपको क्या 150 फ्रूट के नाम याद नहीं है, 10-20 फ्रूट के नाम याद होंगे ना आपको। आसपास जो भी प्लांट दिखता है, मैंगो का, लीची का, इमली का, खजूर का, नारियल का, जो का, पीपल का, सब बच्चा एंजियोस्पर्म, क्योंकि जिम्नो केवल हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, और आसपास तुम्हें जो भी दिखता है बच्चा वो एंजियो है ना। तो जहां फ्लावर होंगे एंजियो, जहां फ्रूट होंगे एंजियो। लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्म प्लांट का नाम बताइए, एनसीईआरटी में बच्चा वोल्फिया। आंसर बच्चा वोल्फिया, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट बच्चा वोल्फिया, याद रहेगा आपको, दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सर लंबे यूकेलिप्टस, बड़े यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस याद रहेगा आप लोगों को, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं बच्चा। देख लीजिए एनसीईआरटी में हम लोग मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं ना क्या जा रहा है, एनसीईआरटी में तो होगा, जरूर होंगे। हाँ देखिए, तो कहीं पर बच्चा आपको वोल्फिया दिखा, एनीवन बच्चा देखिए, ये आपको वोल्फिया और यूकेलिप्टस मिले क्या, दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे वोल्फिया एंड टॉल ट्री यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर ना। लेकिन बच्चा सिकोया का तो 130 मीटर है, सिकोया तो बच्चा 130 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो चलो बताओ किसे किसे ट्रिक्स याद हो गई, कम से कम रिवाइज करेंगे तो 100% याद हो जाएगा। चलो फटाफट में पूछता हूं, फटाफट में पूछता हूं, ठीक है, चलो फटाफट मुझे बताना, चलो ध्यान से बताओ, मैंने बच्चा एल्गी को कितने क्लास में डिवाइड किया था, मैंने एल्गी को कितने क्लास में डिवाइड किया था, फटाफट बोलो, एल्गी को मैंने कितने क्लास में डिवाइड किया था, फटाफट बोलो, सबको याद है,
तीन क्लास, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। चलो मुझे बताओ, मैंने बच्चा रेड एल्गी का क्या ट्रिक्स बताया था? सिकोया बच्चा सबसे बड़ा है, सिकोया सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, 130 है, 130 है। चलो तो बच्चा रेड एल्गी का ट्रिक्स याद हो गया, पोपो गोगो हो गए, चलो इतना काफी है ना। ये बताओ ब्राउन एल्गी का शॉर्ट ट्रिक क्या बताया, ब्राउन एल्गी का शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था? ब्राउन एल्गी का याद है, साउथ इंडियन होटल में जाना है और वहां बच्चा आपको क्या खाना है, इडली, और प्लेट को साफ करना है, तो हो गया बच्चा इडली साफ, इडली साफ याद हो गया। चलो ठीक है, अब बचाओ बच्चा मैंने ग्रीन एल्गी के क्या शॉर्ट ट्रिक बताए थे? मैंने ग्रीन एल्गी के कुछ शॉर्ट ट्रिक बताए थे क्या? ट्राई करो, गलत होगा तो गलत होगी, क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। US has very clean college and campus. US has very clean college and campus. Revise कर लीजिएगा आप लोग हो जाएगा। चलो ये बताओ बच्चा ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट बच्चा तो मैंने कुछ केमिस्ट्री का SPDF से रिलेट करके बताया था, बोलो ट्रिक्स बताओ, SPDF करके मैंने कुछ बताया था, SPMF, SPMF याद है, याद हुआ, SPMF हो गए। चल नेक्स्ट बताओ, टेरिडो को एनसीईआरटी ने कितने क्लास में डिवाइड किया, टेरिडो फाइट्स को एनसीईआरटी में कितने क्लास में डिवाइड किया गया, टेरिडो फाइट को एनसीईआरटी ने कितने क्लास में डिवाइड किया है? चार क्लास में बच्चा, चार। PPLS दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा या PPL होता है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म बच्चा माइकोप्लाज्मा या PPLO होता है, यहां PPLS बना दिया, हो गई बात। चलो मैंने ट्रिक्स क्या बताया, ट्रिक्स मैंने क्या बताया एग्जांपल के, मैंने एग्जांपल के क्या ट्रिक्स बताए थे, एग्जांपल के मैंने क्या ट्रिक्स बताए थे, ठीक है? तो एग्जांपल के ट्रिक्स थे, बोलो कौन से थे एग्जांपल के ट्रिक्स, प्लीज प्लीज पढ़ो, प्लीज पढ़ो बच्चा, टेरिडोफाइट चल रहा है, जिम्नो नहीं, जिम्नो नहीं बच्चा, प्लीज पढ़ो, ठीक है, प्लीज स्क्वायर पढ़ो, ठीक है, ये भी सही है, प्लीज स्क्वायर पढ़ो, ठीक है। अब बताओ जिम्नो के मैंने क्या ट्रिक्स बताए, जिम्नो के मैंने क्या ट्रिक्स बताए, जिम्नो के मैंने क्या ट्रिक्स बताए, ठीक है? तो जिम्नो का ट्रिक क्या था, ध्यान से सुनो, GPS C square। चलो अब बताओ एनजीओ के ट्रिक्स, क्या एनजीओ के ट्रिक्स याद करने, नहीं एनजीओ का याद नहीं करना है, दुनिया में जो भी फ्लावर बनाएगा एंजियोस्पर्म, जहां फ्रूट बनेंगे एंजियोस्पर्म, जिसमें कवर्ड सीड होगा एंजियोस्पर्म, ठीक है? तो आम का पेड़, लीची का पेड़, अंगूर का पेड़, केले का पेड़, जो भी दिखता है ना तुम्हें, सब बच्चा एंजियोस्पर्म, ग्रास वो भी एंजियोस्पर्म, ठीक है? आपने बच्चा लाइफ में शायद जिम्नो कभी देखा ही ना हो, टेरिडो तो बच्चा कुछ सजाने वजाने में यूज होता है, शायद आपने सही से देखा भी नहीं होगा, याद रहेगा आपको, तो ये पक्का वाला याद हो गया, पक्का वाला याद हो गया। चलो तो सर ये पक्का वाला हमें एग्जांपल याद हो गए। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, अब बारी बारी से आपको बच्चा पढ़ने हैं, आपको बारी बारी से पढ़ने हैं एल्गी का डिटेल, ब्रायोफाइट्स के, टेरिडो के, जिम्नो के और एनजीओ के। तो हम एल्गी का बच्चा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम बच्चे एल्गी को डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम ब्रायो में जाएंगे, टेरिडो में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बच्चा एल्गी, एल्गी को कैसा होगा बच्चा, थैलोइड नेचर का, ये मैं नहीं बताऊंगा बच्चा, थैलोइड का मतलब क्या होता है अब नहीं बताऊंगा, आपको पहले भी बताया था, थैलोइड का मतलब वो बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें रूट, स्टेम और लीफ का डिवीजन ना हो, याद आ रहा है आपको? तो एल्गी का सबसे पहला गुण क्या है बच्चा, वो बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिवीजन ना हो, पहला चीज। दूसरा, दूसरा बच्चा ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना, इनके अंदर पिगमेंट होंगे, पिगमेंट होंगे, फोटोसिंथेसिस करेगा बच्चा, फोटोसिंथेसिस करेंगे, खुद से खाना बनाएंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, अरे ये प्लांट किंगडम है ना बच्चा,
तो प्लांट किंगडम के अंदर में क्या होता है, खाना खुद से बनता है, खाना खुद से बनना ऑटोट्रॉफिक। खाना खुद से क्यों बना रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस क्यों कर रहा है बच्चा, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो ये याद रहेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट याद रहेगा। चलिए तीसरा बच्चा, ये मेनली कहां पाए जाएंगे बोलो, मिट्टी में, पानी में, सोच के बताओ। मैंने बताया आपको ये एल्गी मेनली कहां पाया जाएगा बच्चा, मिट्टी में, पानी में, सोच के बताओ। मेनली बच्चा मैंने पूछा, मेनली तो मेनली बच्चा ये पाए जाएंगे पानी में, एक्वेटिक। अब यहां पर बच्चा पानी दो तरह के, पानी दो तरह के हो सकते हैं बच्चा, फ्रेश वाटर जिसमें नमक ना हो, फ्रेश वाटर, और हो सकता है बच्चा यहां पर हो मरीन वाटर, सॉल्ट वाटर, जो खारा पानी, समुद्र का पानी। तो यहां पानी में तो है, लेकिन पानी कैसे पानी में है, तो यहां पर बच्चा हो सकता है फ्रेश वाटर में भी हो और बच्चा खारे पानी, नमक वाले पानी। चलो अब मैं इस एल्गी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो नीट में हमेशा पूछा जाता है। एल्गी का लाइफ साइकिल बच्चा, एल्गी का लाइफ साइकिल जो होता है, एल्गी का जो लाइफ साइकिल है वो बच्चा कैसा है, हैप्लॉन्टिक। एल्गी का लाइफ साइकिल बच्चा हैप्लॉन्टिक है, ठीक है। एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है, इट इज इंटरेस्टिंग दैट, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एल्गी का लाइफ बच्चा लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लॉन्टिक है, यानी हैप्लॉइड ज्यादा देर के लिए बनते हैं, डिप्लॉइड कम देर के लिए बनते हैं। लेकिन बट बेटा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कि कुछ एल्गी इसे फॉलो नहीं करता है। बोले मतलब कि एक एल्गी है जिसका नाम है बच्चा फ्यूकस। फ्यूकस बच्चा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा, फ्यूकस बच्चा डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल करेगा, फ्यूकस डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल करेगा। एक्सेप्शन हो गया ना, तो नीट का क्वेश्चन बन गया और नीट में कई बार पूछे गए। इसी तरह से तीन एक एग्जांपल और बच्चा देखेंगे, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस एक, दूसरा बच्चा पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, सिफोनिया, और तीसरा बच्चा केल्प। सर केल्प क्या होता है, जो एल्गी बच्चे बड़े साइज के होते हैं, मैसिव बड़े साइज के होते हैं, समुद्र में इतने बड़े कि पानी के जहाज को पलट देते हैं, बड़े साइज के मैसिव एल्गी को बच्चा केल्प कहते हैं। तो सर केल्प किसमें आता है, ब्रॉन एल्गी। ब्रॉन एल्गी के जो मैक्सिमम जो मेंबर है ना वो बड़े साइज के, तो कहीं कहीं तो ब्रॉन मेंबर एल्गी को हम केल्प कह देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बच्चा लोग करते हैं हैप्लो डिप्लोंटिक। ये कैसा करते हैं, हैप्लो डिप्लोंटिक। आ गई बात समझ में, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूं, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। एल्गी अगर क्वेश्चन नीट में आया, एल्गी का लाइफ साइकिल कैसा है, बोलिएगा हैप्लोंटिक। लेकिन अगर पूछा गया फ्यूकस का लाइफ साइकिल कैसा है, फ्यूकस भी एल्गी है, तो बच्चों वहां एक्सेप्शन है, वो डिप्लोंटिक करेगा। ये एनसीईआरटी में है, आप पढ़ेंगे। इसी तरह से इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प है तो एल्गी, लेकिन बच्चा वो हैप्लो डिप्लोंटिक करेंगे। सर एनसीईआरटी में है क्या, हमने पढ़ा नहीं मिला, चलिए देख लेते हैं ना, हमें क्या जा रहा है बच्चा, एनसीईआरटी को फॉलो करना है और एनसीईआरटी में देख लेना है। क्या बच्चा समरी के ऊपर में आपको ऐसा दिखता है, इंटरेस्टिंगली, क्या आपको ऐसा वर्ड मिला इंटरेस्टिंगली, यानी कि अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है। व्हाइल मोस्ट एल्गल जिनरा, यानी एल्गी के मैक्सिमम जो जीनस है, जिनना मतलब बच्चा जीनस, आर हैप्लोंटिक। मैक्सिमम जीनस कैसे हैं, हैप्लोंटिक। सम ऑफ देम सच एज इक्टोकार्पस, लेकिन कुछ जैसे इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल, ये कैसे बच्चा, हैप्लोडिप्लोंटिक, और फ्यूकस बच्चा डिप्लोंटिक। क्या ये बात आपको याद हो जाएगी, फटाफट बोलो क्या बच्चा लोग ये बात आपको याद हो जाएगी, क्योंकि नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फटाफट बोलो, फटाफट बोलिए, बोलो, मैसेज करो, मैसेज। दिव्या, साक्षी, अनु, याद रहेगा ये चीज। दूसरा बच्चा जो हर साल नीट में आता था, इस बार भी आया। फिर से एक एल्गी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, ये क्लास 12 से रिलेटेड है, लेकिन नीट में इस बार आया था, हर साल आते हैं, हर साल आते। देखिए एल्गी का सेक्स ऑर्गन, आपको बताया एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होंगे, सेक्स
ऑर्गन जो होगा एल्गी के अंदर में जो सेक्स ऑर्गन है ना, सेक्स ऑर्गन है वो बच्चा यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। और बच्चा कोई बाहर से कवर्ड नहीं है, नॉन जैकेटेड, नॉन जैकेटेड क्वेश्चन बनाइएगा ना तो ये बच्चा चार पांच बार तो यही क्वेश्चन मिलेगा नीट की प्रीवियस ईयर में, बच्चा चार पांच बार यही क्वेश्चन मिलेगा, यूनिसेलुलर है नॉन जैकेटेड, ठीक है। लेकिन बच्चा हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शन हमें पढ़ना है, एक्सेप्शन पढ़ना है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम याद है आपको, एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बच्चा एंथेरिडियम, और फीमेल का बच्चा आर्चिगोनियम मत भूलिएगा, आर्चिगोनियम ब्रायो में है, आर्चिगोनियम टेरिडो में है, आर्चिगोनियम बच्चा जिम्नो में है, एल्गी में नहीं है, एल्गी में बच्चा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है बच्चा उगोनियम, उगोनियम है, ठीक है। चलिए एक्सेप्शन बच्चा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज अ कारा, कारा के ऊपर में हर साल क्वेश्चन आता है, नीट 2021 में भी आया, नीट 2021 में भी आया, क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। कारा के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है बच्चा वो मल्टी सेलुलर है, नीट में क्वेश्चन आया कारा का सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, ठीक है, ठीक है। देखिए ये आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी बच्चा चैप्टर नंबर 1 का है, क्लास 12th एनसीईआरटी में बच्चा कारा का फिगर बना है, कारा का फिगर बना हो CHAR, कारा का फिगर देखिएगा बच्चा, कारा का फिगर बना है एनसीईआरटी में है, क्लास 12th में देखा है आप लोगों ने। सेक्स ऑर्गन बच्चा यहां देखिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलुलर है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है बच्चा मल्टी सेलुलर है और बाहर से कवर्ड है जैकेटेड, एनसीईआरटी में बना है बच्चा फिगर, ये बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल जैकेटेड है मल्टी सेलुलर है, ये बच्चा मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन है, ये भी बच्चा कैसा है, ये भी कैसा है, जैकेटेड, जैकेटेड और मल्टी सेलुलर। सर क्वेश्चन क्या आया मुझे बताइए बच्चा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो बच्चा एक ही प्लांट बॉडी पे है या अलग अलग, कारा एक एल्गी प्लांट बॉडी उसी पे बच्चा मेल सेक्स ऑर्गन है, उसी पे बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पे है ना, तो इसे बच्चा मैं मोनोशियस कहूंगा या डायोशियस कहूंगा, बोलो मोनोशियस और डायोशियस। सर मेल और फीमेल बच्चा एक ही पे, तो उसे बच्चा मैं कहूंगा मोनोशियस, ये नीट 2021 का क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोनोशियस और डायोशियस को लेकर के, ध्यान सुनो, अगर ये बच्चा प्लांट बॉडी है और इस पे बच्चा मेल सेक्स ऑर्गन और इस पे बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी मेल और फीमेल बच्चा अलग अलग प्लांट बॉडी पे, तो ऐसे को कहते बच्चा डायोशियस, डायोशियस, ठीक है, मेल और फीमेल बच्चा अलग अलग है तो डायोशियस, और एक जगह है बच्चा तो मोनोशियस। सर कंफ्यूजन होता है, ठीक करता हूं, एम फॉर बच्चा मैरिज याद करिए, शादी, एम फॉर मैरिज शादी, शादी के बाद में मेल और फीमेल हस्बैंड और वाइफ एक घर में ही रहेंगे, शादी के बाद मेल और फीमेल हस्बैंड और वाइफ एक घर में रहेंगे, मोनोशियस हो गए, ठीक है। डी फॉर बच्चा डायोशियस, डी फॉर डाइवोर्स, डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद क्या होता है, मेल हस्बैंड अलग घर में, फीमेल वाइफ अलग घर में, तो मेल और फीमेल अलग घर में अलग अलग प्लांट पे तो डायोशियस, डाइवोर्स, और मेल और फीमेल एक घर में मैरिज के बाद तो मोनोशियस। क्या कभी कंफ्यूजन होगा, क्या बच्चा कभी कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा अगर ध्यान से देखा तो, आगे बात समझ में। चल अब मुझे बताओ कारा का सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर, बोलो, कारा के अंदर एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, बोलो मल्टीसेलुलर, ठीक है। कारा बच्चा मोनोशियस है डायोशियस है, कारा बच्चा मोनोशियस है डायोशियस है, मोनोशियस है, मेल और फीमेल एक बॉडी। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन,
क्या बच्चा आप पोजीशन बता सकते हो मेल का और फीमेल का? क्या बच्चा पोजीशन बता सकते हो मेल का है फीमेल का है? क्या पोजीशन बता सकते हो? तो आप बोलिएगा फीमेल अपसाइड है और मेल डाउन साइड है। क्या बच्चा ये भी नीट में क्वेश्चन आया था, अपसाइड कौन डाउन साइड का? क्लास 12th एनसीईआरटी खोल के देखिएगा चैप्टर नंबर 1 में, फीमेल अपसाइड मेल डाउन साइड याद रहेंगे। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम बच्चा एक और नाम है जिसका नाम है बच्चा निक्यूल, निक्यूल, और मेल का नाम है बच्चा ग्लोब्यूल, मेल का नाम है बच्चा ग्लोब्यूल और फीमेल का नाम है निक्यूल। इतने अगर याद है तो सारे सॉल्व हो जाएंगे नीट के क्वेश्चन। एंथेरिडियम का एक और नाम है, एंथेरिडियम का एक और नाम है ग्लोब्यूल, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओवोनियम है, एक और नाम है बच्चा निक्यूल। तो अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्या सारे क्वेश्चन आपको कारा से बन जाएंगे? क्लास 12th एनसीईआरटी में भी है, 11th में भी है, नीट में बच्चा हर साल क्वेश्चन आते। आगे बात समझ में, याद कर लोगे सभी लोग? बोलो फटाफट। डन, आगे चलें, आगे चलें, चल चल। अब देखिए ध्यान सुनिए, अब एल्गी कैसे होते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर पे बात करें, बॉडी कैसा होता है एनसीईआरटी की बॉडी। कुछ एल्गी बच्चा यूनिसेल्यूलर, एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए, कुछ एल्गी यूनिसेल्यूलर, एग्जाम्पल बच्चा क्लामाइडोमोनस, याद आ रहा है क्लामाइडोमोनस, यूनिसेल्यूलर है बच्चे, और एक है बच्चा क्लोरिला, एक है क्लोरिला, तो दो एग्जाम्पल याद करना है, एक का नाम क्लामाइडोमोनस दूसरे का नाम क्लोरिला। लेकिन बच्चा विटेकर ने इसे प्रोटिस्टा किंगडम में रखा है, क्यों? क्योंकि एक सेल के यूनिसेल्यूलर है, एक सेल के हैं प्रोटिस्टा किंगडम में, हम बस बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में क्लामाइडोमोनस प्लांट किंगडम में लिखा है, लेकिन विटेकर ने उसे कहां प्लेस किया था? प्रोटिस्टा में। एग्जाम में आएगा तो प्रोटिस्टा ही करना है, बस बच्चा इनके पिगमेंट यहां मैच करते हैं, दिखने में, रिप्रोडक्शन का तरीका, सेल वॉल, सब कुछ मैच करते हैं, तो बच्चा केवल पढ़ाई करेंगे। आगे बात समझ में, ये समझाया था आपको पहले भी। क्लोरेला को बच्चा हम कहते हैं एक सेल का है बच्चा, यूनिसेलुलर ना, इसे एससीपी कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। इनके बॉडी में बच्चा प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होते हैं, एक सेल का है, प्रोटीन रिच है, तो सिंगल सेल प्रोटीन। 12th में पढ़िएगा, क्लास 12th में ये पढ़िएगा बच्चा, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। चलिए सेकेंड, इसे बच्चे स्पेस एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग बच्चा इसे स्पेस में ले जाते हैं, स्पेस में बच्चा बिरयानी तो ले जाएंगे नहीं, पिज्जा तो ले जाएंगे नहीं, 6-6 महीने तक रहना है तो कैसे चलेगा लाइफ इसी को खा करके। इसे बच्चा रिसर्च एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इसका हम रिसर्च में यूज करते हैं। सर कहाँ? अब पढ़ोगे बच्चा फोटोसिंथेसिस, कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल में जो रिसर्च किया गया था इसी के ऊपर किया गया था। तीन, इसमें प्रोटीन रिच है, एक सेल का है, सिंगल सेल प्रोटीन, इसको साइंटिस्ट लोग स्पेस में ले जाते हैं, जब जाते हैं ना स्पेस में, ठीक है ना, कई दिनों तक वहां रहना है, खाएंगे क्या? इनके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, खा लेंगे ना, और इसे हम लोग रिसर्च एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इसे रिसर्च में यूज किया जाता है, याद रहेगा। कुछ एल्गी बच्चा कॉलोनियल, कॉलोनी में रहना पसंद करते, कॉलोनियल, एनसीईआरटी आपके एनसीईआरटी में बच्चा वॉल्वॉक्स का फिगर है, आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ साक्षी, सिर्फ कारा में ही मेल को ग्लोब्यूल कहेंगे, नहीं तो मैं बताता सब जगह ना, यहां पर नामांकन चेंज हुआ, यहां पर नेमिंग चेंज किया गया, ठीक है। तो कुछ जगह कैसे हैं, कॉलोनियल है यानी वॉल्वॉक्स, एग्जाम्पल याद रखिएगा बच्चा वॉल्वॉक्स, यूनिसेलुलर, क्लामाइडोमोनस, क्लोरेला, ठीक है। तीसरा, कुछ एल्गी बच्चा मल्टीसेलुलर तो है लेकिन फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर है बच्चा फिलामेंटस। सर फिलामेंटस क्या होता है, फिलामेंटस क्या होता है सर? चलिए फिलामेंटस बात करें, जब बच्चा एक के ऊपर एक सेल, एक सेल दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, एक के ऊपर सेल आ जाए तो फिलामेंटस हो जाते हैं। सर फिलामेंटस कितने तरह के? दो,
एक बच्चा अनब्रांच्ड, एक बच्चा ब्रांच्ड। एनसीईआरटी ने दो वर्ड बोला है, हम दो वर्ड माने। अनब्रांच बच्चा यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल बच्चा स्पायरोगैरा, आपने स्पायरोगैरा का फिगर जरूर देखा होगा, ठीक है। और बच्चा यूलोथ्रिक्स हो जाएंगे, इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं करना है। ब्रांच अभी बताया बच्चा, अभी बताया था, बोलो कौन है ब्रांचिंग वाला, अभी बताया था ना, कारा, CHAR, हो गया। कुछ एल्गी बच्चा 100 मीटर तक बड़े हैं, 100 मीटर तक बड़े हैं, मैसिव। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा मैसिव, मैसिव मतलब बड़े साइज के, बताओ कौन है, बोलो, अभी बताया था। हाँ, कुछ एल्गी बड़े साइज वाले हैं जिसका नाम है बच्चा केल, याद रहेगा आपको, केल है क्या सर, ब्रॉन एल्गी। केल क्या है सर, ब्रॉन एल्गी। आई याद बात समझ में, कर लोगे यहां तक, यहां तक कर लोगे, चल। अब एनसीईआरटी के वर्ड्स को एक फॉलो करें, जहां पर थोड़ा एक कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कितना टाइम कितना हुआ है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना हो रहा है, बोलो कोई, ठीक है हो जाएगा, अभी है हमारे पास 5 मिनट है, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, बस एक ही टॉपिक। चलिए देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी में दिया है बच्चा कि एल्गी मेनली पानी में रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एल्गी से पानी में रहता है, अच्छी बात है। कुछ बच्चा मिट्टी में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा कुछ एल्गी ना स्लॉथ बियर पे रहते हैं, भालू के ऊपर, स्लॉथ बियर, बियर ना, ये एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा। हाँ सर, ये क्यों, आपको डिटेल में नहीं जाना, अब बस ये जानिए, जो बियर है ना भालू, भालू के ऊपर में बच्चा ये एल्गी आ जाते, तो जो बियर है, ठीक है, जो बच्चा बियर है वो बच्चा एल्गी को रहने के लिए जगह दे देगा, एल्गी को रहने के लिए जगह दे देगा, स्पेस देगा, और बच्चा देगा पानी, हो गया फायदा एल्गी को। एल्गी बदले में बच्चा इसे कलर देगा, बियर भालू को बच्चा कलर देगा। सर कलर से क्या फायदा है, कलर से फायदा है कि वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा सकता है, कलरफुल दिखेगा, पूरी तरह से एल्गी से भरा हुआ है तो प्लांट की तरह दिख रहा है ना, तो सामने में जो प्रीडेटर है उसे लगेगा ये तो प्लांट है भाई, ये तो प्लांट है, जाएगा नहीं बियर के पास में, वो बैठा हुआ रह जाए, बच जाएगा ना। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहां पास आपको याद रखना है कि दोनों में कैसा रिलेशन है, सिम्बायोटिक, दोनों को फायदा हो गया। हालांकि एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, और गूगल वूगल पे रिसर्च भी मत कीजिएगा, बहुत अलग अलग बहुत कहानी आएगी इसके ऊपर में ना, स्लॉथ बियर और एल्गी को लेकर के कई सारे कहानियां दे रखी है, इंटरेस्टिंग कहानी होती है, लेकिन पढ़ने का मतलब नहीं है, हमें नहीं जानना है, ठीक है। यहां तक कर लेगा सभी बच्चे लोग, कर लोगे, डन, ठीक है। अब देखो, हमने एल्गी को अगले क्लास में तुम्हें क्या करना है, आज कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं है, अगले क्लास का बता रहा हूं। अगले क्लास में बच्चा जो भी हमने एल्गी है ना, उनको उनका रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल करेंगे, एसेक्सुअल करेंगे, कैसे करेंगे, तो अगले क्लास में बच्चा हम एल्गी का रिप्रोडक्शन डिटेल से पढ़ेंगे, एल्गी का रिप्रोडक्शन डिटेल से पढ़ेंगे। सेकेंड, एल्गी को बच्चा 3 जो क्लास में डिवाइड किया गया किस बेसिस पे, तो बच्चा सबसे मेन बेसिस है ना पिगमेंट, कि उनके अंदर कलर कैसे है। दूसरा बच्चा, उनका सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा है, सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा है, अगले क्लास में पढ़ेंगे। और वो जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस में वो स्टोरेज क्या करेंगे, खाने को किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, स्टोरेज के। और बच्चा वो रहने के लिए कैसे यूज करेंगे, हैबिटेट। तो हम अगले क्लास में एल्गी को बच्चा डिटेल से करेंगे। तो आपका बच्चा एक काम है, एक मैं एक्स्ट्रा चीज बोल रहा हूं, क्योंकि हम स्लो हैं ना, और एक क्लास मेरी हुई भी नहीं थी, तो आपको एक होमवर्क दे देता हूं। बीच में बच्चा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का बहुत बड़ा लफड़ा है बच्चा, आप इस चैप्टर में ना स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करोगे, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में बच्चा बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज करोगे। तो मैंने जो सेकेंड बैच है ना रात वाला, क्योंकि तुम्हारा एक दिन मैंने क्लास मिस किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी,
ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट उनको बच्चा कराया था, आपको कराऊंगा तो एक क्लास और हमारा वेस्ट हो जाएगा, ना तो स्लो हो जाएगा सिलेबस, हमें जल्दी जल्दी करना है। तो वो बच्चा रिकॉर्डिंग है ना, मैं लिंक दे दूंगा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट वाला। तो ये बच्चा ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से है टॉपिक, तो मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा उसको। बच्चा कल संडे भी है, टेस्ट के बाद देख लीजिएगा, मंडे आपके साथ शायद क्लास नहीं है, ट्यूसडे होगा आपसे मिलने वाला हूँ, तो तब तक वो देख लीजिएगा ना। तो लगभग बच्चा चैप्टर का 90% चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, आज नहीं करा सका, टाइम कम थे ना, इसमें चाहिए था 1 घंटे, और 1 घंटा हम इधर दे देते तो हम कर नहीं पाते। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा बच्चा, होमवर्क। तो ये होमवर्क कर लीजिएगा ना, तो चैप्टर अपने आप आसान हो जाएगा ना। तो मैं कराऊंगा तो तुम्हारा एक क्लास का लॉस होगा, हम पीछे हो जाएंगे। कर लोगे, बोलो फटाफट होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास है संडे, मंडे, ट्यूसडे शाम में मिलने वाले, कर लोगे, बोलो फटाफट। ठीक, तो हम अगले क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे और इसको करें। और फिर बच्चा मैं एल्गी कंप्लीट करा दूंगा, ब्रायो में इंटर कर जाएंगे, ब्रायो में इंटर, ब्रायो भी कंप्लीट करा दूंगा अगले क्लास में। लेकिन ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का लफड़ा खत्म करके आइएगा तू। चलो ठीक है फिर, डन। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।